लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देश इसे बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच चीन ने अपने इलाके में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीनी सेना भारी वाहनों से तोप और दूसरे हथियार जमा कर रही है, जहां से इन्हें कुछ ही घंटों में भारतीय सीमा पर लाया जा सकता है। चीन की ये हरकत इसलिए शक पैदा करती है क्योंकि इसी दौरान बटालियन और ब्रिगेड लेवल पर सैन्य ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं। अब तक चीन के सैनिक विवाद वाली जगहों से लौटे नहीं हैं, लिहाजा भारतीय सैनिक भी यहां मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। भारत ने भी उनकी बराबरी के सैनिक और युद्ध सामग्री जुटा ली है। क्यों बेनतीजा हो रही है बातचीत? रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर्स और ब्रिगेड कमांडर्स के बीच रोज बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक ये बातचीत बेनतीजा रही है। मुमकिन है कि जल्द ही मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स बातचीत करें ताकि तनाव जल्द खत्म किया जा सके। चीन चाहता है कि भारत अपने हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद कर दे। विवाद की वजह यह भी है कि चीनी सैनिक कई बार भारतीय सीमा में घुस आते हैं। हमारे सैनिकों से इनकी हाथापाई होती है। मई के तीसरे हफ्ते में गंभीर झड़पें हुई और अब ये पूरे लद्दाख में हो रही है। सूत्र बताते हैं कि चीन के जवाब में भारत ने भी माकूल इंतजाम कर लिए हैं। इस मामले की शुरुआत में चीन ने चौंकाया, उसने तेजी से करीब 5,000 सैनिक उस इलाके में तैनात कर दिए। कुछ भारतीय सीमा में भी घुसपैठ हुई। क्या खत्म हो सकता है सीमा विवाद? भारत और चीन के बीच सीमा से संबंधित मसले सुलझाने के लिए चार जरिए मौजूद हैं। इनमें से दो 1993 और 1996 में बने थे। 2005 और 2013 में भी इससे जुड़ी प्रगति हुई। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हैं। इन्हीं समझौतों के आधार पर दोनों देश बातचीत करके सीमा विवाद सुलझाते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी बैठकें हो चुकी हैं। इनमें भी सीमा विवाद बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि चीन के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों लेवल पर बातचीत चल रही है। बातचीत जारी, फिर भी बढ़ी तैनाती। दोनों देशों की सेनाएं अपने युद्ध की क्षमता उस समय में बढ़ा रही हैं जब दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीति के स्तर पर बातचीत से झगड़ा सुलझाने की कोशिश हो रही है। जब चीन की सेना LAC पर आर्टिलरी गन और कॉम्बैट व्हीकल लाने लगी, तो भारतीय सेना भी चीन के पास अपने बेस पर चीनी सेना को टक्कर देने लायक हथियार और युद्ध सामग्री जुटाने लगी। भारतीय वायुसेना इस इलाके में लगातार सर्विलांस कर रही है। क्या है चीन की तैयारी? चीन ने करीब 5,000 सैनिक पेंगोंग लेक और गलवान घाटी में तैनात कर दिए हैं। साथ ही वो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार भी जमा कर रहा है। हालांकि इन आंकड़ों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से ये साबित होता है चीन ने अपनी सीमा में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन ने ये सब सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए किया है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के क्लास A व्हीकल्स देखे जा रहे हैं। ये इलाका LAC के करीब है। भारतीय सीमा से 25 से 30 किलोमीटर दूर चीनी सेना की गाड़ियां हैं, इनमें हथियार हैं। हालात बिगड़ने पर ये चंद घंटों में मोर्चे पर पहुंच सकते हैं। ऐसा लगता है कि चीन बातचीत का बहाना बनाकर सैन्य तैयारियां मजबूत कर रहा है। भारत की क्या है तैयारी? भारतीय सेना की रिजर्व डिवीजन को लद्दाख में तैनात किया जा चुका है। ये वो सैनिक हैं जिन्हें ऊंचाई या पहाड़ी इलाकों में जंग की महारत हासिल है। शुरुआत में महामारी की वजह से कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब एयरक्राफ्ट्स और सड़क के जरिए फौज भेज दी गई है। भारत शांति तो चाहता है, लेकिन अपनी सीमा में किसी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। भारतीय सेना अपने बेस पर हथियार, टैंक और जंग में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य भारी वाहन ला रही है। साथ ही LAC पर आर्टिलरी गन भी तैनात की जा रही हैं। भारतीय सेना के मुताबिक वो चीन के हथगंडों से अच्छी तरह से वाकिफ है। भारतीय सेना इस बात पर अड़ी हुई है कि सीमा पर जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, वो पीछे हटने वाली नहीं है। चीन ने भारत को दी चेतावनी। चीन ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा है उसे चीन अमेरिका विवाद से दूर रहना चाहिए।
चीन ने भारत को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि इसमें दखल देने से उसका बड़ा नुकसान होने वाला है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक चीन ने कहा है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत सरकार को इस कोल्ड वॉर में एक पक्ष के समर्थन में खड़ा करने के लिए कह रही हैं, जिससे इस स्थिति का वो लोग फायदा भी उठा सकते हैं। ऐसी शक्तियां भारत सरकार के आधिकारिक स्टैंड से संबंध नहीं रखती हैं और चीन के बारे में गलत सूचनाएं और अफवाह फैला रही हैं। अगर स्पष्ट कहा जाए तो चीन अमेरिका विवाद में भारत का फायदा कम लेकिन नुकसान ज्यादा हो सकता है। विकसित देशों के समूह G7 में भारत को शामिल करने के संकेतों के बाद अमेरिका ने रविवार को कहा है कि चीनी सैन्य क्षमता से उत्पन्न खतरों के मद्देनजर अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों के साथ साझेदारी कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए इस रणनीति पर विचार कर रहा है।